So, hey guys, that's me, Dheeru Monchik. किधर आना है? पार्किंग में हूँ। हरी गाड़ी के पास लाल गाड़ी खड़ी है, उधर आ जा। ठीक है, आता हूँ। आज तो हैंगर पूरी रात काली कर दूंगा। नो फाइल्स, साला पॉन के नाम पे खाली पेन ड्राइव पकड़ा के चला गया बैंड चोर। हाँ भाई, क्या क्या बंदा तेरा खाली पेन ड्राइव पकड़ा गया है? बंदे की कोई गलती नहीं है, राजू भाई को जेल हो गई। वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। साला बाकी लोग अपने माँ बाप का नाम खराब करते हैं, शिल्पा के पति ने उसका नाम खराब कर दिया है बे। साला हर कोई बोले भर रहा है, शिल्पा का पति ये कर दिया, शिल्पा का पति ऐसा करता है वैसा करता है। भाइयों यार, उसका नाम ले लो सीधे राजकुंद्रा, राजू भाई बोल लो यार, सीधा राजकुंद्रा नहीं बोला यार तो तुमसे। शिल्पा को बदनाम मत करो यार बेचारी को, उसे रामदेव बाबा के साथ चिल करने दो, मस्त एकदम सीधे। योगा एंड चिल, रामदेव बाबा बी लाइक आजा शिल्पा योगा मैट में मिल। गाइस, जो भी राजकुंद्रा को नहीं जानता उन्हें मैं बता दूं कि ये शिल्पा शेट्टी के पति है, और दूसरा कि भाई ये अश्लील फिल्मों को बनाने की वजह से जेल के अंदर गिरफ्तार हो गए हैं, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, कारोबारी राजकुंद्रा को मुंबई पुलिस। अब आप सोचेंगे इनका क्या कारोबार है? भाई तो इनका लेन देन का कारोबार है, काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ कारोबार है। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है राजकुंद्रा पर, अश्लील फिल्में बना रहे। भाई ये इतना सीरियस क्यों रहा साला? आंखें नहीं झपक रहा, डरा बैठा है क्या भाई? तूने थोड़ी ना कुछ किया यार, उनने किया उल्टे सीधे काम, तू अच्छे से न्यूज दे जैसे बाकी टाइम चहकता है। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा। चिल मारना भाई, न्यूज दे अच्छे से शांति से। मुंबई पुलिस राजकुंद्रा को 11 बजे किला कोर्ट में पेश करेगी। मुंबई पुलिस का दावा है कि उनके पास राजकुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। वो जरा सबूत जो है हमारे व्हाट्सएप पे थोड़े से फॉरवर्ड कर दो। अबे साले, हम भी थोड़ा अपने मित्रों को दिखा देंगे और खुद भी देख लेंगे वो सबूत अच्छे से। क्राइम ब्रांच की एफआईआर के मुताबिक राजकुंद्रा ही इस मामले में मुख्य साजिश करता है। देर रात पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ये क्या कर रहा भाई? अबे पागल वागल हो गया तू? इतना कुछ हो गया लेकिन ये बॉलीवुड वाले भाई सुट्टा मारना नहीं छोड़ेंगे। अबे पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, अपनी बारात में थोड़ी जा रहा है जो तू ऐसा कर रहा है भाई। इज्जत से बैठ के चले जा, दो चार सवाल पूछ के साथ छोड़ देंगे। लेकिन नहीं भैया जी को तो स्वैग झाड़ना है, साला मेडिकल टेस्ट और कराएंगे अब। और भाइयों यार, तुम्हारा भाई का है यार ये साइन, यार ऐसा मैं कर देता हूँ यार, तो तू भाई मेरा नाम तो मत खराब कर, अपनी पत्नी का करना है कर ले। और भाई ये मुंबई करने के लिए कितना टाइम निकला है कौन से देखो। वो दूसरी व्लॉगिंग करता है, इनका दूसरी व्लॉगिंग का काम है, ठीक है। गाइस, योग की देवी शिल्पा शेट्टी और इनके पति संभोग के देवता राजू भैया कपिल शर्मा के शो में जा चुके हैं काफी बार। चुदाना अपनी बेटी को बेट, और हमने सुना वहाँ काफी ऐसी ऐसी बातें होती थी जो हम कभी समझ ही ना पाए भाई, अब समझ में आ रही हैं, तो उनको जरा चल के देखते हैं और दोहराते हैं। शिल्पा कैसे बर्थडे पे गिफ्ट काफी सारे मिले होंगे इस बार तो? अरे नहीं यार। तो गिफ्ट क्या मिला फिर इस बार? बताना जरूरी है? नहीं बताना जरूरी है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ऐसा क्रिंज फेस बनाना जरूरी नहीं है। पर मैं बता देता हूँ, मेरे को पेन ड्राइव दी दिनेश ने मेरे बर्थडे पे। मैंने इससे पूछा भी, मैंने कहा खाली पेन ड्राइव, कहता नहीं नहीं 8 गाने इसमें। भाई पेन ड्राइव कौन देता है बर्थडे पे गिफ्ट, और गाने तो उसमें बिल्कुल नहीं होंगे कपिल भैया, झूठ मत बोलो नॉटी बॉय। और साला इस दिनेश को पकड़ो, इसके पास स्टॉक है भाई पूरा का पूरा। नॉडी गाजियाबाद, हम तो मैं कपिल भाई को छूते समझते थे यार, लेकिन ये तो लेजेंड निकले हैं, जो डबल मीनिंग जोक चल रहे हैं इनके फुल। ठीक है, अभी तो पूरा का पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा दोस्तों। मेरा नाम ठरकी सिंह है जी, ठरकी सिंह।
मैं जलन भाई यार कितने अच्छे और कितने इनोसेंट और कितने सच्चे इंसान है यार ये साला अपना नाम अपना असली नाम खुद अपने मुंह से बोल रहा है ठरकी सिंह दल्ले ओ ये असली पिक्चरों का व्यापार करने वाला इंसान दल्ला मैंने ना दी बुक पढ़ी है द ग्रेट इंडियन डाइट भाई यार तेरा गला वाला खराब है क्या तेरी मूवी के सेट पे कोई एक्टर आया नहीं होगा तो उसका काम तुझसे करवा लिया क्या हिंदी में बोलेंगे ये उसकी साली ने पहचान लिया उसको कुछ तो गड़बड़ है भाई कितना फेक रिएक्शन दे रहे हैं जैसे कि पता ही नहीं चला बहनचो अपने पति नहीं पहचान पा रही है तो अच्छा घर पे रहता नहीं होगा ना ज्यादा काम ही ऐसा है भाइयों घर पे मन ही नहीं लगता होगा पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप इन्हीं चीजों में बिजी रहते हैं ए भाई हमें भी बता रहे तू बिना कुछ किए कैसे पैसा कमा रहा है इतना बता बहन जो कैसे कमा रहा तू बिना कुछ किए इतना पैसा मैं नहीं बताऊंगा ये गलत फहमी है ही रॉली वो इतने हार्ड वर्किंग है मैं बता नहीं सकती प्लीज बताना भी मत हमारा मुंह निकल जाएगा नहीं तो बहन उसका काम ही ऐसा तो उसको बताने लायक भी नहीं है क्या चार लोगों के सामने क्या कहेगी मेरा पति अश्लील पिक्चर्स बनाता है ट्यून चेंज है मामा मेरा पति बनाता है चुप बैठ एकदम शांति से बैठ किसी को कुछ मत बता अपना कोई ऐसा मेहमान इनके साइड के सारे फैल गए थे भाइयों अब नहीं देखा जाएगा भैंचो ये वाला एपिसोड मुझसे और ज्यादा साला ट्राई नॉट टू क्रिंज चैलेंज हो रहा है वे इतने अजीब अजीब से एक्सप्रेशन दे रहे हैं अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं सिंपल सीधे सीधे बोलो ना भाई ठुकाई भी हो सकती है किसकी ठुकाई कैसे हो सकती है कब हो सकती है क्या चल रहा है जब फैमिली सो है ये उसका मुंह देखो साला ठुकाई सुनते ही कह रहा है भाई चलो रावी करता है जल्दी से ठुकाई कर लेते पहले बाकी चीजें बाद में कर लेंगे बैचो एज पर द मुंबई क्राइम ब्रांच भाइयों ये तो नहीं पता मुंबई क्राइम ब्रांच या फिर मीम क्राइम ब्रांच लेकिन ये भाई ये बंदा ठरकी सिंह साला 800,000 रुपए कमाया है भाई दिन के लॉकडाउन के टाइम पर इसका मतलब तुम समझ रहे हो मतलब साला लॉकडाउन के टाइम पे लोगों का कुछ काम धंधा नहीं है ये फिर खाना खाने भी बैठ रहा तो खाने इधर छोड़ के हट जाओ हम तो पॉन देखेंगे पहले पति पेटीएम गर्ल को भी अरेस्ट करो अबे गर्ल होती नहीं वो साले लॉन्डे होते हैं पैसे बर्बाद कर रहे हो तुम अपने ये मीम पेजेस वाली होते हैं सारे अच्छा भैया राजू भैया के लॉयर का ये कहना है कि बल्गर कंटेंट था वो उसे पोर्नोग्राफी में काउंट ही नहीं कर सकते तुम मतलब बोले तो आसान भाषा में बोले तो ऊपर ऊपर से था सब तो क्या कहते हैं हम कैसे मान लें यार अबे साले जैसे इनका लॉयर कह रहा है वल्गर कंटेंट में आता ऊपर ऊपर से था पॉन वॉन नहीं था तो भाई इस हिसाब से तो इसे पकड़ के ले गई पुलिस तो वो एकता कपूर को भी लेके जाओ ना वो कौन सा ऑल्ट बालाजी पे सूफी पिक्चर्स बना रही है बे अरे भाई ये पोन वोन के चक्कर में मत पड़ो यार ये ऑल्ट बालाजी भयंकर तुम्हारे भाई की वीडियो देखो तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो थारा भाई धीरेन्द्र तुम्हें इतना एंटरटेनमेंट देगा कि तुम्हें पोन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा नहीं बोल सकता तुम भैंचो कल को कमेंट करके कहने लगे नंगा होके नाच के दिखा भाई तो वो तो नहीं हो पाएगा भाई अपने से 10 मिलियन कर दो ठीक है भाइयों जरा मूड को भी थोड़ा सा चिल करता और थोड़े से मीम्स एंजॉय करता ठीक तुम्हारी हूँ मैं मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी उसने भरी जवानी में बाल झड़ने लगे लगता है झूठी कसम खाई थी उसने ओ भाई भैया के साथ स्कैम हो गया यार तगड़ा स्कैम हो गया बहन जो आज समझ में आया भैया के बाल क्यों उड़ गए यार साला झूठी कसम खा के भाग गई बे लेकिन मैं कुछ भी कहो भाई भैया जी की किस्मत बहुत मस्त है साला ये तो वही सीन हो गया ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी साला एक लड़की गंजा करके गई तो आप 100 लड़कियां 100 कहां भाई लाखों लड़कियां फेंदा भैया के टकले पे और जस्टिन बीबर जो इंग्लिश के एक बहुत अच्छे गायक है उनको शायद 1 या 2 प्लेटिनम प्लग का अवार्ड मिले हमें 5 मिले गाने के हमें 5 मिले भाई को बताना पड़ रहा बहन जो गाने के भी मिले हमें 5 प्लेटिनम अवार्ड क्योंकि हमारा जो नाम है ना वो बाकी और चीजों में तो लोगों को बताना पड़ता है कि गाने के लिए मिला है 5 प्लेटिनम कहाँ रखे है तूने 5 वो अपनी दाढ़ी में छुपा के रखे है दाढ़ी पकड़ के खींच के घुमा दूंगा शक्तिमान बना दूंगा भैन जो इमेजिन करो भाई मैं इसकी दाढ़ी पकड़ के सही में घुमा रहा हूँ साला शक्तिमान बना दिया मैंने ऐसे घुमा के नीचे मार रहा जमीन पे एकदम साउथ की मूवी की तरह धूल उड़ रही है यानी एशिया के हम फर्स्ट हैं कि एट द स्पॉट हम गा सकते हैं बिना साज के बिना सुर के आप जो बोलेंगे हमारे अले बिना सुर के तो कोई भी गा देगा भाई तू कौन सा नवाब है कहीं का
जिसे रब दे नाल भी यार असी बटाउना नहीं। लल्लू पजदे बिजदे सड़दिया दियो जवाना नहीं। मेरे ऊपर नहीं चढ़ना बहन चो की तू तो लिरिक्स उल्टे सीधे गा रहा है, समझ नहीं आ रहा हमें। ये गा रहा तो कौन सा समझ में आ रहा है बे? साले जैसे इसने शुरू में बोला जस्टिन बीबर इंग्लिश के गायक हैं, तू कौन सा गायक है भाई? अपना भी लैंग्वेज क्लासिफाई करो ना, जरा करना जरा बहन के लोड। नो कोरोना गाइस, ओनली शेर की दहाड़। Sex between three people, it's called threesome. Sex between two people, it's called twosome. समझ रहे हो ना लोंडो, लड़कियों को तुम्हारा हैंडसम बोलने का मतलब मुट्ठन। वैसे अगर इसी लॉजिक से देखा जाए तो लड़कियों तुम समझ रही हो लड़कों को तुम्हें ब्यूटीफुल बोलने का मतलब, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल। तो गाइस चलो ठीक है, वीडियो जरिए खत्म करते हैं हम, और सारे हैंडसम और ब्यूटीफुल लड़कियों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है? मिलते हैं जल्दी, टाटा। मैं अपनी पेन ड्राइव का डाटा रिस्टोर करने की कोशिश करता हूँ।